हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एडनॉक में एज अ जॉब परफॉर्मर काम कर रहे हो या फिर काम करना चाहते हो तो आपको वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी पर्सन एडनॉक में एज अ जॉब परफॉर्मर काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको PTW का कोर्स करना होता था, और वो जो कोर्स है उसमें खाली आपको एक ही पेपर देना होता था और वो था PTW का, यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम का। लेकिन अभी एडनॉक ने ये जो PTW का जो कोर्स है उसका सिलेबस चेंज किया है, और अभी उसको PTW कोर्स न कह के उसको वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स का नाम दिया है। यानी कि अभी आपको PTW का कोर्स न करके आपको वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स करना होगा, और ये जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो कोर्स है इसमें टोटल 6 पेपर जो है वो आपको पास आउट करने होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम में वो 6 पेपर्स क्या है। तो सबसे पहला पेपर आता है फ्रेमवर्क का, फिर उसके बाद का पेपर आता है परमिट टू वर्क ट्रेनिंग का, फिर उसके बाद का पेपर आता है JSA का यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस का, फिर उसके बाद का पेपर आता है एनर्जी आइसोलेशन ट्रेनिंग का, फिर उसके बाद का पेपर आता है टेम्पररी डिफीट ऑफ HSC CES का यानी कि HSC क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम का, और फिर उसके बाद लास्ट में आता है साइमल्टेनियस ऑपरेशन ट्रेनिंग। तो इस प्रकार जो है, जब भी आप वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स करने के लिए जाते हो तो आपको ये जो 6 पेपर्स है ये पास आउट करने होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल पेपर में आपको पास आउट करना होता है। यानी कि जब आप ये टोटल 6 पेपर में पास आउट हो जाएंगे तभी आप ये जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो कोर्स है पास कर पाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि होता क्या है। वर्क मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सेफ्टी टूल है कि जिसके कारण हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वर्क है वो प्रॉपरली कंट्रोल, कोऑर्डिनेटेड और कम्युनिकेटेड होता है कि नहीं होता है, वो हम इस सेफ्टी टूल से इंश्योर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क के पर्पोज के बारे में। तो दोस्तों, एडनॉक वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो HSC क्रिटिकल प्रोसेसेस है उसमें क्या की एस्पेक्ट्स है और रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें इंक्लूड होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, परमिट टू वर्क, एनर्जी आइसोलेशन, टेम्पररी डिफीट और साइमल्टेनियस ऑपरेशंस, जो अक्रॉस सभी एडनॉक ग्रुप कंपनीज में होता है। चलिए बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क के स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसको एप्लीकेबल होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये एप्लीकेबल होता है सभी एडनॉक ग्रुप कंपनीज को, एम्प्लॉयज को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, फैसिलिटीज को, जो इंक्लूडिंग होता है इंटरफेस एरियाज, एक्टिविटीज को और सर्विसेज को विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और उसकी जो सभी एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म करेगा विथ इन एडनॉक ऑपरेटिंग फैसिलिटीज में, जिसमें वो अपनी सारी एक्टिविटीज को कैरिंग आउट करेगा और वो भी अपने कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, तो उस चीज को उसको इंश्योर करना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। चलिए बात करते हैं कुछ की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो दोस्तों, हर एक जो ग्रुप कंपनी है वो मेंटेन करेगी अप टू डेट और जो अप्रूव लिस्ट है पर्सन्स की जो ऑथराइज होंगे सिग्नेटरीज के लिए PTW सिस्टम में, तो उनके लिए जो है कुछ रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे। तो उसमें आता है कि जो लिस्ट है वो अप्रूव होगी, वो भी रिटर्न में बाय एसेट ओनर की तरफ से। फिर उसके बाद है कि वो जो लिस्ट है वो रिव्यू होगी और अप्रूव होगी, वो भी एनुअल बेसिस के ऊपर। फिर उसके बाद है कि जो लिस्ट है वो अप टू डेट होगी। फिर उसके बाद है कि जो अप्रूव लिस्ट है वो रेडिली अवेलेबल रहेगी, वो भी डिसिग्नेटेड एरियाज में, खास तौर से जो परमिट कंट्रोल फैसिलिटीज है, कंट्रोल रूम है या फिर जो अदर डिसिग्नेटेड एरियाज है वहां पर। चलिए अब जानते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एडनॉक ग्रुप HSC इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि इनको रिव्यू करना है और अप्रूव करना है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टैंडर्ड्स है उसको, और साथ ही में वो उसको रिविजन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि Tier 3 ऑडिट जो है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कंडक्ट होता है कि नहीं होता, वो भी इंडिविजुअल ग्रुप कंपनीज के साथ में उसको भी इंश्योर उसको करना है। अब ये Tier 3 ऑडिट क्या है तो इसके बारे में मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद है कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में अगर कोई डेविएशन आते हैं या फिर कोई भी नेसेसरी चेंजेस अगर उसमें करना है तो उसका रिव्यू और अप्रूव करने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। चलिए बात करते हैं कि एडनॉक ग्रुप कंपनीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये जो है ये ऑथराइज और अपॉइंट करेंगे एसेट ओनर्स को, वो भी सभी रिस्पेक्टिव जो भी साइट्स है या फिर फैसिलिटीज है उसके लिए।
चलिए बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एचएससी या फिर कॉर्पोरेट एचएससी या फिर ग्रुप कंपनी के जो हेड है उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के जो भी सभी एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर एडवाइस करना, वो उनको प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि उनको टायर 3 जो ऑडिट्स है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स का, वो भी एडनॉक हेडक्वार्टर्स के साथ में वो भी उनको कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि टायर 2 जो ऑडिट है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड का, वो भी उनको कंडक्ट करना है। तो ये टायर 2 ऑडिट क्या होता है, टायर 3 ऑडिट क्या होता है, ये हम आगे में जानने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि ऑपरेशंस वाइस प्रेसिडेंट्स या फिर फैसिलिटी मैनेजर या फिर उसको एसेट ओनर भी कह सकते हैं, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी प्लांट है या फिर फैसिलिटीज है वहां पर जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स है, तो उसका जो है वहां पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो कंप्लायंस है वो वहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो एसेट ओनर की होती है। फिर उसके बाद है कि उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी कॉम्प्रेसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मीट करेंगे वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को, तो वो जो है जो भी सिग्नेटरीज है उनको प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, वो भी उनको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद है कि एसेट ओनर जो है वो अपॉइंट करेगा ऑथराइज पर्सन को जो रिक्वायर होगा साइन करने के लिए, वो भी जैसे PTW एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट या फिर टेम्पररी डिफ्यूज सर्टिफिकेट के ऊपर। फिर उसके बाद है कि एसेट ओनर जो है वो अपॉइंट करेगा एसेट अप्रूवल अथॉरिटी को, और वो भी इसके लिए ताकि जो वर्क पैक है उसको वो अप्रूव कर सके, और वो भी क्रिटिकल और जो हॉट वर्क परमिट होता है उसके लिए। चलिए बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के फ्रेमवर्क के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कस्टडियनशिप के बारे में। तो इसमें यह है कि प्रिंसिपल जो कस्टडियन है वो जिम्मेदार होता है सभी जो चेंजेस होते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क में उसके ऑथराइजेशन के लिए, और वो होता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और HSC एडनॉक ग्रुप। अब जानते हैं डेविएशन मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टैंडर्ड्स है उसमें अगर कोई भी अगर डेविएशंस अगर करना हो तो वो स्पेशल सर्कमटेंसेस में कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है कि पर्सन्स की जो सेफ्टी है या फिर जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस है या फिर जो भी एसेट्स है उसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के डेविएशंस और अप्रूवल्स के एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों एसेट ओनर जो है वो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स में जो भी डेविएशंस है उसके बारे में रिक्वेस्ट करेगा, और साथ ही में उसके पास रिस्क असेसमेंट भी उसका रहेगा, और ये जो रिक्वेस्ट है ये राइटिंग में ग्रुप कंपनी कॉर्पोरेट HSC वाइस प्रेसिडेंट या फिर उसका जो हेड है उसको देगा रिव्यू करने के लिए। फिर उसके बाद ग्रुप कंपनी कॉर्पोरेट HSC जो VP है उसको अकॉर्डिंगली वो जो डेविएशन की जो रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद उसको वो शेयर करेगा एडनॉक ग्रुप HSC को उनके रिव्यू के लिए। और ये जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में जो भी डेविएशंस है ये जो है ये अप्रूव होगा बाय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HSC या फिर एडनॉक ग्रुप की तरफ से। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले है कि पेपर बेस्ड सिस्टम के लिए जो भी ओरिजिनल कॉपी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके ऊपर साइन हो चुका है, और जो सभी रिलेवेंट अटैचमेंट्स है जो रिक्वायर है एज पर वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के अनुसार, तो वो जो है वो कम से कम 12 महीने तक जो है वो वहां पर रिटेन होना चाहिए। और जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूटिलाइज करती है तो ज्यादातर यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द अप्रूवल्स है या फिर जो अटैचमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में जो है वो अचीव हो जाती है, जबकि अदर जो हार्ड कॉपीज है जिसके ऊपर वेट इंक सिग्नेचर्स है या फिर जो इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कैप्चर नहीं हुई है और वो भी एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो उसको भी जो है वो कम से कम 12 महीने तक वहां पर रिटेन करके रखना है। चलिए बात करते हैं ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी एश्योरेंस के बारे में। एसेट ओनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी कॉम्पिटेंट वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो भी सिग्नेटरीज है उनको ऑथराइज और अपॉइंट करने के लिए, और वो भी तब कि जब ये जो पर्सन्स है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लेते हैं वो भी रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जिसमें आता है फॉर्मल रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल असेसमेंट। चलिए अब बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के पीरियोडिक रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑडिट्स है वो 3 टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ऑडिट आता है उसे कहते हैं टायर 1, जिसमें हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। फिर उसके बाद का ऑडिट आता है वो है टायर 2, जो एनुअल बेसिस के ऊपर किया जाता है, और ये जो असेसमेंट है ये एडनॉक ग्रुप कंपनी की तरफ से किया जाता है। और फिर उसके बाद का जो ऑडिट आता है वो है टायर 3 ऑडिट, और इसका जो असेसमेंट है ये इंडिपेंडेंट किया जाता है।
तो इस प्रकार जो है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑडिट्स है वो तीन प्रकार के होते हैं, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के 5 की एलिमेंट्स यानी कि स्टैंडर्ड्स क्या है। तो उसमें सबसे पहले आता है परमिट टू वर्क, फिर उसके बाद है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, फिर उसके बाद आता है एनर्जी आइसोलेशन, फिर उसके बाद है टेम्पररी डिफीट ऑफ HSE क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम, और फिर उसके बाद आता है साइमल्टेनियस ऑपरेशंस। तो ये जो है ये 5 की एलिमेंट्स है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के। चलिए अब जानते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी जो है उनका काम है परमिट का अप्रूवल देना, फिर उसके बाद है एरिया अथॉरिटी जो परमिट को ऑथराइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद है परमिट इशूअर जो परमिट को इशू करते हैं, फिर उसके बाद है परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो परमिट की रिक्वेस्ट और क्लोजर करते हैं, और फिर उसके बाद है जॉब परफॉर्मर जो परमिट को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एसेट अप्रूवल अथॉरिटी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी जो है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है जो अप्रूव है इन राइटिंग में, वो भी बाय एसेट ओनर की तरफ से, जो सभी क्रिटिकल और हॉट वर्क परमिट के ऊपर साइन करेंगे, और वो साइन तभी करेंगे कि जब वो कंफर्म करेंगे कि जो भी कंट्रोल डिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे के सारे एडुकेट है और उनकी जो रिस्क है वो रिड्यूस की गई है आलाप में। चलिए अब जानते हैं इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी जो है उनको इंश्योर करना है कि जो भी वर्क स्कोप है वो क्लियरली और करेक्टली जो है वो डिफाइन किया गया है और करेक्ट वर्क कैटेगरीज जो है वो असाइन की गई है। फिर उसके बाद है कि उनको JSA को रिव्यू करना है, और साथ ही में उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी पोटेंशियल हजार्स है, प्रिकॉशंस है, कंडीशंस है या फिर कंट्रोल्स है वो सारे के सारे डिफाइन किए गए हैं और वो मीट करते हैं आलाप को। फिर उसके बाद है कि उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी प्लान वर्क साइट प्रिपरेशंस है वो एडुकेट है कि नहीं है, वो भी उनको देखना है। फिर उसके बाद है कि उनको ये असेस करना है कि जो भी प्रपोज सुपरविजन लेवल्स है वो एडुकेट है कि नहीं है, वो भी उनको देखना है। फिर उसके बाद है कि उनको चेक करना है साइमल्टेनियस जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है उनको भी। फिर उसके बाद है कि स्टैंडर्ड के आउटसाइड में जो भी डेविएशंस है उनको भी मैनेजमेंट करना इनका काम है। फिर उसके बाद है कि टेम्पररी डिफिट्स जैसे रिक्वायर्ड है उसको भी अप्रूव देने की जिम्मेदारी जो है वो इनकी होती है। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि एसेट अप्रूवल जो अथॉरिटी है वो एक लेवल ऊपर होता है एरिया अथॉरिटी से। चलिए बात करते हैं कि एरिया अथॉरिटी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एरिया अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है परमिट के ऑथराइजेशन के लिए, और उनको ये कंफर्म करना है कि प्री रिक्वेस्ट साइड जो भी कंट्रोल्स है वो वहां पर प्लेस में है और वो जो है वो वहां पर इफेक्टिव प्रूव की गई है। इसके अलावा एरिया अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रिवैलिडेशन के मैनेजिंग के लिए, सस्पेंशन के लिए और क्लोजर के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परमिट के ऑथराइजेशन से पहले इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें सबसे पहले है कि जो भी स्कोप ऑफ वर्क वहां पर डिस्क्राइब किया गया है तो उसके लिए जो भी परमिट की इंफॉर्मेशन है और JSA है वो बराबर है कि नहीं है, वो चेक करने की जिम्मेदारी इनकी है। फिर उसके बाद है कि इनको ये इंश्योर करना है कि जो सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स हो गए, अटैचमेंट्स हो गए एक्सेट्रा, तो वो वहां पर परमिट के साथ में अटैच किए हैं कि नहीं किए हैं और वो फुल्ली इंडोर्स है कि नहीं है, वो इंश्योर करने की भी जिम्मेदारी इनकी है। फिर उसके बाद है कि क्रिटिकल और हॉट वर्क के लिए उनको वेरीफाई करना है जैसे के कंटेंट को और उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को, और वो भी प्री रिक्वेस्ट साइड कंट्रोल्स के लिए। फिर उसके बाद है कि जनरल वर्क के लिए जो JSA का जो कंटेंट है उसको रिव्यू करना है, और साथ ही में आलाप के लिए उसका जो अप्रूवल है वो प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि उनको साइमल्टेनियस जो ऑपरेशंस है उनको मैनेज करना है, और साथ ही में उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो वहां पर डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद है कि उनको आइसोलेशन और डी आइसोलेशन प्लान का जो स्कोप है उसको रिव्यू करना है, वेरीफाई करना है और अप्रूव करना है, और साथ ही में उनको ये इंश्योर करना है कि जो सीक्वेंस है आइसोलेशन का वो वहां पर करेक्ट है। फिर उसके बाद है कि उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि आइसोलेशन के लिए वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की जरूरत है क्या। फिर उसके बाद है कि उनको ये कंफर्म करना है कि सभी जो आइसोलेशन है वो वहां पर प्लेस किए गए हैं और वो वहां पर इफेक्टिव है, और उसके बाद उनको आइसोलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करना है, और इसके अलावा अगर टेम्पररी डिफीट की अगर वहां पर रिक्वायर्ड है तो उसका भी अप्रूव उनको देना है। अब देखते हैं कि परमिट ऑथराइजेशन के लिए इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो एरिया अथॉरिटी को जो है परमिट की वैलिडिटी का टाइम ड्यूरेशन क्या है वो वहां पर स्पेसिफाई करना है।
फिर उसके बाद है कि एरिया अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कराना है कि आपको जो है काम को स्टार्ट नहीं करना है जब तक आपको फॉर्मल क्लियरेंस नहीं मिल जाता है परमिट इश्योर की तरफ से। फिर उसके बाद है कि वर्क एक्टिविटी की वजह से जो भी पार्टीज अफेक्टेड होगी तो उनको इन्फॉर्म भी करना है। अब देखते हैं कि पोस्ट परमिट ऑथराइजेशन के लिए क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि जरूरत हो तो वो परमिट को रिवैलिडेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या फिर परमिट को क्लोज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि सभी जो पीटीडब्ल्यूज है वो डिपेंडेंट है आइसोलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। तो यहाँ पर कंफर्म करना है कि डी आइसोलेट का जो डिसीजन है उसके पहले में उसके पास जो है आईसी सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद है कि वो ऑथराइज है सैंक्शन टू टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद है कि वो ऑथराइज है डी आइसोलेशन के लिए। और फिर उसके बाद है कि आइसोलेशन जो सर्टिफिकेट है उसको वो क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि परमिट इश्यूअर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो परमिट इश्यूअर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फील्ड ऑपरेशन के लिए या फिर जो एसेट का स्पेसिफिक वर्क लोकेशन है उसके लिए। और उसमें आता है कि एसेट एरिया में जो सभी पर्सन वहां पर काम कर रहे हैं तो उनकी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो परमिट इश्यूअर की होती है। चलिए अब जानते हैं कि परमिट इश्यूअर की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उनके अंडर में जो भी सिचुएशनल साइट सेफ्टी हजार्ड्स आते हैं उनको उनको चेक करना है। फिर उसके बाद है कि उनको ये कंफर्म करना है कि लोकल साइट जो प्रिपरेशंस है जो स्पेसिफाई की गई है परमिट के ऊपर वो उस प्लेस में वहां पर विजिबल है। फिर उसके बाद है कि उनको डिस्कस करना है जेपी के साथ में कि नेचर ऑफ वर्क क्या है उस करंट शिफ्ट पीरियड में। फिर उसके बाद है कि उनको ये कंफर्म करना है कि जो भी काम करने वाली टीम है उनको फुल्ली इन्फॉर्म किया गया है और वो भी वर्क एरिया के नेसेसरी प्रिकॉशंस के बारे में जिसमें आता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स और सेफ इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद है कि काम करने से पहले और काम करने के दौरान उनको ये इंश्योर करना है कि सभी जो एटमॉस्फेरिक टेस्ट है वहां पर हो रही है और उनका जो लेवल्स है वो वहां पर रिकॉर्डेड किया जा रहा है और वो जो है वहां पर काम करने के लिए सेफ है। फिर उसके बाद है कि उनको काम करने के लिए क्लियरेंस वहां पर प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि उनके शिफ्ट में जो भी वर्क एक्टिविटीज वहां पर हो रही है वो सेफ कंडक्ट हो रही है वो भी उनको मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद है कि उनको ये इंश्योर करना है कि जो सभी इंफॉर्मेशन है जो रिलेटेड है वर्क एक्टिविटीज के स्टेटस के बारे में और वो भी उनकी जिम्मेदारी वाले एरिया में तो वो जो है वो फुल्ली रिकॉर्डेड होनी चाहिए शिप लॉग्स में और साथ में उसका जो हैंड ओवर डॉक्यूमेंटेशन है वो भी वहां पर रिकॉर्डेड करना है। चलिए बात करते हैं कि परफॉर्मिंग अथॉरिटी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है और वो भी पीटीडब्ल्यू सिस्टम के अंदर वो जो है वो इम्प्लॉय हो सकता है या फिर अगर एप्लीकेबल हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है जिसको असाइन किया गया रहेगा परमिट के रिक्वेस्ट के लिए और साथ ही में वो जॉब परफॉर्मर को सुपरवाइज भी करेगा। चलिए अब जानते हैं कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परमिट रिक्वेस्ट के लिए इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें सबसे पहला है कि उनको प्रोवाइड कराना है क्लियर और एडुकेट जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है जो वहां पर कैरिड आउट होगा वो भी सफिशियंट डिटेल के साथ में। फिर उसके बाद है कि उनको ये इंश्योर करना है कि पीटीडब्ल्यू जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट है और साथ ही में जो जेएसए है वो अप टू डेट है जो कवर करेगा सभी वर्क स्कोप को। फिर उसके बाद है कि वो डिक्लेयर करेगा कि जॉब परफॉर्मर की जो कॉम्पिटेंसी है वो आइडेंटिफाई करेगा वर्क एक्टिविटी के लिए। चलिए अब जानते हैं कि काम के दौरान इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि एरिया अथॉरिटी ने अगर परमिट फॉर्म के ऊपर ये स्पेसिफाई किया है कि परफॉर्मिंग जो अथॉरिटी है वो वर्क साइट के ऊपर प्रेजेंस रहना जरूरी है तो उनको जो है वहां पर वर्क साइट पर रहना है और साथ ही में जो टीबीटी फॉर्म है उसके ऊपर साइन करना है ताकि ये रिकॉर्ड रह सके कि वो वर्क साइट पर प्रेजेंस थे। चलिए अब जानते हैं कि परमिट क्लोजर के लिए क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि परफॉर्मिंग अथॉरिटी को ये कंफर्म करना है जेपी के साथ में कि वर्क साइट कंडीशंस क्या है वर्क क्या है और इक्विपमेंट स्टेटस क्या है। फिर उसके बाद है कि उनको परमिट क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट करनी है। फिर उसके बाद है कि अगर काम कंप्लीटेड नहीं है तो उसके लिए उनको रीजन प्रोवाइड करना है। चलिए अब जानते हैं कि जॉब परफॉर्मर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जॉब परफॉर्मर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है परमिट के एक्सेप्टेंस के लिए। इसके अलावा जो सभी रिलेवेंट जो परमिट्स है जिसमें डिफाइन किया गया है कि वर्क साइट के क्या कंट्रोल्स है इंक्लूडिंग कि सभी जो मेंबर्स है वर्क पार्टी के उनको भी इन्फॉर्म करना है यानी कि जो भी वर्क एक्टिविटीज वहां पर हो रही है तो वो सेफली कंडक्ट हो रही है क्या उनको भी सुपरवाइजिंग करने का जो काम है वो जॉब परफॉर्मर का होता है। चलिए अब जानते हैं कि काम शुरू करने से पहले जॉब परफॉर्मर की क्या जिम्मेदारी होती है। तो इसमें है कि काम की शुरुआत होने से पहले या फिर परफॉर्म होने से पहले उनको वर्क साइट पर जो है वो इमिडिएटली वहां पर रहना है और परमिट इश्यूअर के साथ में साइट पर जो भी सिचुएशनल हजार्ड है वहां पर उसको चेक करना है वर्क पार्टी क्या है और इक्विपमेंट्स क्या है उनको भी उनको चेक करना है।
फिर उसके बाद है कि परमिट इश्योर की तरफ से जो भी डायरेक्शंस आते हैं रिगार्डिंग जो भी काम है उसके क्लियरेंस के बारे में, या फिर काम को सस्पेंड करने की जो भी इंफॉर्मेशंस हो, या फिर काम को स्टॉप करने की जो भी इंफॉर्मेशंस हो, तो उनको जो है वो उनको फॉलो करना है। चलिए अब जानते हैं कि हर एक जो शिफ्ट है उसके एंड में या फिर काम खत्म होने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि जेपी को ये डिक्लेयर करना है कि सभी जो वर्क पार्टी मेंबर्स है वो साइट से क्लियर किए गए हैं, और जो पर्सनल लॉक है उसको रिमूव किया गया है, और जो वर्क एरिया है उसको क्लीन स्टेट में रखा गया है, और साथ में जो भी इक्विपमेंट है उनको सेफ कंडीशन में रखा गया है। तो दोस्तों एज पर वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू एडनॉक में टोटल 3 टाइप के परमिट होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है जनरल वर्क परमिट, और ये जो परमिट है ये एप्लीकेबल होता है जनरल एक्टिविटीज के लिए जिसमें कोई सोर्स ऑफ इग्निशन ना हो या फिर कोई भी क्रिटिकल वर्क एक्टिविटी ना हो। एग्जाम्पल स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी, वर्क एट हाइट एक्टिविटी, कॉन्क्रीट पोरिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का सेकंड वर्क परमिट आता है, वो है हॉट वर्क परमिट, और हॉट वर्क परमिट यानी कि जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन का इस्तेमाल होता हो, एग्जाम्पल वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का थर्ड वर्क परमिट आता है, वो है क्रिटिकल वर्क परमिट, और ये जो वर्क परमिट है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए आपको इश्यू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी लोड को उठाने के लिए एक से ज्यादा क्रेन का इस्तेमाल अगर करना हो तो उसके लिए क्रिटिकल वर्क परमिट आपको इश्यू किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि एडनॉक में कितने टाइप्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट आता है कन्फाइन स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको कन्फाइन स्पेस में काम करना हो तो उसके लिए आपको हॉट वर्क परमिट के साथ में कन्फाइन स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है एक्सकैविशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको कोई भी एक्सकैविशन एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए आपके पास हॉट वर्क परमिट के साथ में एक्सकैविशन सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है व्हीकल एंड मशीन एंट्री सर्टिफिकेट, और ये जो सर्टिफिकेट्स है ये आपको जो भी ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स है जिसमें कंबशन इंजन है, जैसे कि फोर्कलिफ्ट ट्रक हो गया, जनरेटर हो गया, या फिर कंप्रेसर हो गया, तो उसको अगर आपको जो भी हजार्डस एरिया है उसमें अगर काम करना है तो उसके लिए आपको व्हीकल और मशीन एंट्री सर्टिफिकेट लेना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है डाइविंग सर्टिफिकेट, और ये जो सर्टिफिकेट है जो ऑफशोर में डाइविंग का काम करते हैं उनके लिए इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट, यानी कि रेडियोग्राफी का अगर आपको कोई भी अगर काम करना हो तो उसके लिए आपके पास हॉट वर्क परमिट होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है एटमोस्फेरिक टेस्ट रिकॉर्ड फॉर्म, और ये जो सर्टिफिकेट है ये इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो भी हार्मफुल वेपर्स हो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, या फिर वहाँ पर जो भी ऑक्सीजन कंटेंट है उसकी एडिक्वेसी क्या है, या फिर काम के वक्त जो भी पेरियोडिक या फिर कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग वहाँ पर क्या है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है इसमेंट सर्टिफिकेट, और ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई भी सर्विसेज हो या फिर कोई भी यूटिलिटी एरिया हो उसके साथ में जो भी पाइपलाइंस आती है, या फिर कम्युनिकेशंस मीडिया हो, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस आती है, तो उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर रिपेयर एक्टिविटीज अगर आपको करना हो तो उसके लिए ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको इश्यू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट, और ये जो सर्टिफिकेट है ये इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो भी एनर्जी सोर्स हो या फिर इक्विपमेंट हो उसको आइसोलेट किया जा सके, यानी कि जो भी वर्क एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी सोर्स को अगर आइसोलेट करना हो तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है टेम्पररी डिफीट सर्टिफिकेट, और ये जो सर्टिफिकेट है ये उस वर्क एक्टिविटी के लिए इशू किया जाता है कि जिसमें जो भी सेफ्टी सिस्टम है उसको टेम्पररी बाईपासिंग किया जा सके, तो उसमें आता है कि सिस्टम को अगर ओवरराइड करना हो तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, या फिर जो भी इक्विपमेंट आइडेंटिफाई किए गए हो एचएससी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स या फिर इक्विपमेंट के अनुसार, तो उसमें अगर आपको कोई काम करना हो तभी ये सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है रोड क्लोजर सर्टिफिकेट, और ये जो सर्टिफिकेट है ये रिक्वायर होता है ताकि जो भी वर्क एक्टिविटीज है उसको आपको करने के लिए अगर रोड को क्लोज करना हो तो उसके लिए आपको ये रोड क्लोजर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो इस प्रकार एडनॉक में 10 टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, और वो भी अकॉर्डिंग टू वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू।
यानी कि जब भी आपको कोई एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए आपको परमिट इशू किया जाता है, और साथ ही साथ उसके रिलेवेंट जो भी एक्टिविटी अगर आपको करनी हो, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको कन्फाइन स्पेस में अगर एक्टिविटी करनी हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। यानी कि वर्क परमिट के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके पर्पोज के बारे में। तो जैसे स्टैंडर्ड का और प्रोसेस का मेन पर्पोज ये होता है कि एडनॉक के कंट्रोल में जो भी कंपनीज है, जो भी एरियाज है, तो उसके अंडर में जो भी काम चल रहा है, तो उस काम को चालू करने से पहले वहां पर जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि जैसे जो है वो कंडक्ट करना है, और इसको इस्टेब्लिश करना ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। रिस्क असेसमेंट जो टीम लीडर है वो जिम्मेदार होता है फॉर्मल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के लिए, क्योंकि उसको उसको लीड करना होता है और उसको ये इंश्योर करना होता है कि वर्क डिस्क्रिप्शन में सभी जो रिलेवेंट उसके रिस्क है और उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए वो वहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। इस रिस्क असेसमेंट टीम लीडर में जैसे कि आता है मेंटेनेंस सुपरवाइजर हो, वेल सुपरवाइजर हो, डिसिप्लिन मेंटेनेंस सुपरवाइजर हो, या फिर एरिया अथॉरिटी हो। एडनॉक ग्रुप कंपनी और एडनॉक बिजनेसेस में जो भी एसेट ओनर है उनकी तरफ से एसेट अप्रूवल अथॉरिटी जो है उसको अपॉइंटेड किया जाता है, और ये जो अपॉइंटेड किए गए एसेट अप्रूवल अथॉरिटी है ये अप्रूव करते हैं वर्क पैक को और उसमें देखते हैं कि ये सफिशियंट है कि उसमें जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस किया गया है आलाप में, आलाप यानी कि एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले इनिशियल जो है वो जॉब को एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद आई वैप प्रोसेस होती है, आई वैप प्रोसेस यानी कि इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लान, फिर उसके बाद उस प्रोसेस में कौन सा परमिट का टाइप वहां पर एप्लीकेबल है वो देखा जाता है, और फिर उसके बाद इसके लिए कौन सी एप्लीकेबल जैसे कि लेवल जो है वो वहां पर एप्लीकेबल है, रिक्वायर है, वो वहां पर देखा जाता है। अब जैसे कि लेवल क्या है और उसके लिए क्या मैंडेटेड है आइए जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे के तीन लेवल्स आते हैं। लेवल वन है स्टैंडर्ड 1000 कंट्रोल फॉर्म, जिसे SHCF कहते हैं, और इसके लिए मैंडेट होता है जनरल वर्क परमिट। वैसे ही लेवल टू आता है 1000 मैनेजमेंट फॉर्म, जिसे HMF कहते हैं, जो मैंडेटरी होता है क्रिटिकल और हॉट वर्क परमिट के लिए। और थर्ड है फॉर्मल रिस्क असेसमेंट, जो मैंडेटरी होता है जो भी आईवेब की टीम है जो डिटरमाइन करेगा उसके लिए। अब जानते हैं जैसे लेवल वन के बारे में, जो है स्टैंडर्ड 1000 कंट्रोल फॉर्म, जिसे SHCF कहते हैं। तो ये जो लेवल वन का जैसे है इसको परमिट के साथ अटैच किया जाता है परफॉर्मिंग अथॉरिटी के द्वारा, और इस PTW डिटेल्स के अलावा परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि इस जैसे लेवल वन में क्या होना चाहिए, जैसे कि PPE की रिक्वायरमेंट्स क्या है, या फिर कौन से लाइफ सेविंग रूल जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, या फिर एप्लीकेबल जो भी हजार्ड्स है, जो भी वर्क स्कोप है उसके ऊपर, और उसके लिए क्या रिक्वायर कंट्रोल मेजर्स है वो भी यहाँ पर परफॉर्मिंग जो अथॉरिटी है वो आइडेंटिफाई करती है। चलिए अब जानते हैं JSA लेवल 2 के बारे में, जो है हजार्ड मैनेजमेंट फॉर्म, जिसे HMF कहते हैं। तो ये जो JSA लेवल 2 है इसको परमिट के साथ अटैच किया जाता है परफॉर्मिंग अथॉरिटी के द्वारा, और PTW का जो डिटेल्स है उसमें एडिशनली परफॉर्मिंग जो अथॉरिटी है ये इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके साथ में और क्या चाहिए, मतलब ये जो JSA लेवल 2 है इसमें एडिशनली और क्या चाहिए, जैसे कि इसमें मेजर वर्क स्टेप को आइडेंटिफाई किया जाता है, एप्लीकेबल जो भी हजार्ड्स है और उसका कहाँ पर लोकेशन है, जो भी वर्क स्कोप कर रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके रिक्वायर्ड क्या कंट्रोल्स लेने चाहिए उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। चलिए अब जानते हैं इनिशियल रिस्क लेवल के बारे में और उसके रिलेवेंट आरए टीम कंपोजिशन के बारे में, आरए टीम यानी कि रिस्क असेसमेंट टीम। तो इनिशियल रिस्क का जो लेवल है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लो, तो इसमें आरए टीम होती है परफॉर्मिंग अथॉरिटी या फिर परफॉर्मिंग अथॉरिटी सुपरवाइजर। उसके बाद है एसेट ओनर रिप्रेजेंटेटिव या फिर एरिया अथॉरिटी या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव। फिर उसके बाद का सेकंड जो इनिशियल रिस्क लेवल है वो है मीडियम लेवल, तो इसमें भी परफॉर्मिंग अथॉरिटी या फिर परफॉर्मिंग अथॉरिटी सुपरवाइजर, और इसके बाद एसेट ओनर रिप्रेजेंटेटिव या फिर एरिया अथॉरिटी या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव। और फिर उसके बाद थर्ड जो रिस्क का लेवल है वो है हाई, तो इसमें रिस्क असेसमेंट की जो टीम होती है उसमें आता है
परफॉर्मिंग अथॉरिटी या फिर परफॉर्मिंग अथॉरिटी सुपरवाइजर, एसेट ओनर रिप्रेजेंटेटिव, एरिया अथॉरिटी या फिर उसके अबव वाली जो भी पोजीशंस हो, एचएससी रिप्रेजेंटेटिव, और अगर एप्लीकेबल हो तो अफेक्टेड पार्टीज को भी इसमें ऐड किया जाता है, और अगर एप्लीकेबल हो तो फायर एंड रेस्क्यू सुपरवाइजर को भी इसमें ऐड किया जाता है, और अगर एप्लीकेबल हो तो अदर जो स्पेशलिस्ट है उसको भी इसमें ऐड किया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके अप्रूवल ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। तो जनरल जो वर्क परमिट है जिसके लिए JSA-1 कंट्रोल्स होता है वो एरिया अथॉरिटी के अंडर आता है, और क्रिटिकल और हॉट वर्क परमिट के लिए जिसके लिए हम यूज करते हैं Level 2 और फॉर्मल रिस्क असेसमेंट कंट्रोल्स, तो ये जो है एसेट अप्रूवल अथॉरिटी के अंडर आती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है जब आप JSA का वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का पेपर देते हो। तो दोस्तों वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का ये जो चौथा पेपर है जो है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का, तो इसके बारे में जो है आपको मालूमात होनी चाहिए, तभी जाकर जो है आप इस पेपर को जो है अच्छे से पास कर पाओगे। यानी कि इस आइसोलेशन में जो है कौन कौन सी डेफिनेशन जो है, कौन कौन से जो वर्ड है वो आपको जो है पता होना काफी जरूरी है, वही हम यहाँ पर बात करने वाले है। तो सभी जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है उसको इंस्टॉल करना चाहिए, वो भी ऑथराइज और जो कॉम्पिटेंट आइसोलेटिंग ऑपरेटर है उसके द्वारा। अब यहाँ पर लो वोल्टेज जो आइसोलेशन है वो भी जो है कॉम्पिटेंट और सर्टिफाइड जो ऑथराइज आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है वही इसको जो है अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ हाई वोल्टेज जो आइसोलेशन है जैसे कि 1000 वोल्ट एसी हो या फिर उसके अबव में हो, तो यहां पर भी जो है जो कॉम्पिटेंट सर्टिफाइड और जो ऑथराइज आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है वही जो है ये अप्लाई कर सकता है। मतलब आपको यहां पर समझना है कि लो वोल्टेज जो आइसोलेशन और हाई वोल्टेज जो आइसोलेशन है इन दोनों के लिए जो है कॉम्पिटेंट और सर्टिफाइड जो ऑथराइज आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है वही जो है इसको अप्लाई कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि एनर्जी आइसोलेशन के पेपर में जो है कुछ ऐसी डेफिनेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले है लॉकआउट। तो लॉकआउट का मतलब ये होता है कि सभी जो आइसोलेशन है उसको सिक्योर करना है, वो भी अप्रूव जो पैडलॉक या फिर लॉकिंग जो डिवाइसेस है उसके साथ में, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि आइसोलेशन जो डिवाइस है उसको सेफ पोजिशन में जो है यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। फिर उसके बाद है टैग आउट। टैग आउट यानी कि जो भी आइसोलेशन टैग है वो अटैच होना चाहिए, वो भी आइसोलेशन स्कीम के हर एक कंपोनेंट के साथ में, ताकि उसका विजुअल इंडिकेशन हुआ है ये हम वहां पर प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ वो जो डिवाइस है वो वहां पर एक्टिव यूज में है वो हमें यहां पर पता चल सके। इसका मतलब ये है कि जो भी आइसोलेशन या फिर जो भी फैसिलिटी जो हम चेक करते हैं तो ये जो है ये सभी नेसेसरी है आइसोलेशन के लिए, तो वो जो है यहां पर प्लेस में है वो हम यहां पर पता कर सके। फिर उसके बाद है कंफर्मेशन ऑफ आइसोलेशन। अब ये आइसोलेशन तो हो गया, तो इसके लिए जो है आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म करता है इंडिविजुअल ये आइसोलेशन, यानी कि आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है उसके द्वारा ही जो है ये आइसोलेशन किया जाता है। साथ ही साथ जो है हर एक जो इंडिविजुअल जो आइसोलेशन जो पॉइंट है उस वहां पर जो आईसी है यानी कि जो आइसोलेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी ये साइन करता है। मतलब आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है उसके द्वारा ही जो है हर एक जो आइसोलेशन है उसको यहाँ पर कन्फर्म किया जाता है। फिर उसके बाद है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। अब ये इंडिपेंडेंट जो वेरिफिकेशन है ये रिक्वायर हो सकता है, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो भी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो लोटो प्रोसीजर्स है इसको यहाँ पर वेल प्लान जो है उसके मुताबिक किया गया है और वो जो है वहां पर अप्रूव है। तो अब यहाँ पर दोनों जो सिग्नेचर्स है वो उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अब ये दोनों सिग्नेचर्स यानी कि आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है उसका भी सिग्नेचर इसके ऊपर होना चाहिए, और जरूरत हो तो जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जिसके द्वारा किया गया है तो उसका भी जो सिग्नेचर है उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है रिकॉर्ड में होना चाहिए। फिर उसके बाद है आइसोलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर फाइनल साइन ऑफ। तो जैसे कि आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है उसका सिग्नेचर होने के बाद और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अगर वहां पर अगर रिक्वायर है और उसका सिग्नेचर भी होने के बाद जो है एरिया अथॉरिटी जो है यहां पर फाइनल जो है ऑथराइजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, वो भी आइसोलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। और जब ये फाइनल ऑथराइजेशन जो है वो हो जाता है एरिया अथॉरिटी के द्वारा, तो उस काम के मुताबिक जो भी वर्क परमिट वहां पर एसोसिएट रहेगा तो वो जो वर्क परमिट है वो वहां पर इशू किया जाता है। फिर उसके बाद है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर जो जॉब परफॉर्मर है वो एक्सेप्ट करता है कि वो जो है यहाँ पर विटनेस है कि यहाँ पर जो है जीरो एनर्जी का जो है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो किया गया है वो भी परमिट इश्यूअर के द्वारा, और इसको जो है कवर किया जाता है वो भी परमिट के ऊपर जीपी के सिग्नेचर के द्वारा।
फिर उसके बाद है पर्सनल लॉग। तो हर एक जो जॉब परफॉर्मर है यानी कि जो जेपी है वो अप्लाई करेगा और प्रोवाइड करेगा उसका पर्सनल लॉग नंबर, वो भी उसके पास जो रिस्पेक्टिव वर्क परमिट है उसके ऊपर, और वो भी उसको करना है काम को शुरू करने से पहले। फिर उसके बाद है सैंक्शन टू टेस्ट। तो आइसोलेशन जो स्कीम है उसके जो एलिमेंट्स है उसके लिए जो है यहाँ पर जरूरत हो सकती है टेम्पररी उसको रिवर्स करने की, ताकि हम ये कंफर्म कर सके कि जो भी वर्क स्टेजेस है उसको यहाँ पर करेक्टली जो है कम्प्लीटेड किया गया है। अब ये जो STT है यानी कि सैंक्शन टू टेस्ट है, ये रिक्वायर होती है वर्क एक्टिविटी के इंटरमीडिएट स्टेज में, जिसमें इन्वॉल्व होता है कि अगर चेक की अगर कोई भी अगर फंक्शन वहां पर किया गया हो या फिर प्री स्टार्ट अगर टेस्ट अगर किया गया हो तो भी जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद है डी आइसोलेशन प्रोसेस। अब ये सारा काम अगर खत्म हो गया है तो आइसोलेशन को हमें डी आइसोलेशन करना होता है। तो इसका जो अप्रूवल है वो एरिया अथॉरिटी के द्वारा जो है वो प्रोवाइड होता है, वो भी IC के ऊपर यानी कि जो आइसोलेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर। तो इसके लिए जो है सभी जो प्रिपरेशन हुई है क्या, मतलब डी आइसोलेशन करने के लिए सभी जो प्रिपरेशन है वो वहां पर कंप्लीट हुई है क्या और प्लान जो है वो वहां पर रेडी है क्या रिकमिशनिंग वहां पर कंफर्म करने के लिए, तो तब जो है आइसोलेटिंग जो ऑपरेटर है वो आइसोलेशन को जो है रिमूव करता है, वो भी आइसोलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जैसा भी जो स्पेसिफाई किया है उसके मुताबिक। अब आपको एक बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि कुछ सर्टन जो डी आइसोलेशन है उसके लिए सेपरेट जो PTW है उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद है डी आइसोलेशन एंड एक्सटेंडेड पीरियड आइसोलेशन। तो रिकमिशनिंग जो है यहाँ पर रिक्वायर होती है इक्विवेलेंट कंट्रोल के लिए जो आइसोलेशन के इंस्टॉलेशन के वक्त जो है दरमियान ली गई थी। अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कंट्रोल है इसमें इंक्लूड होता है कि जैसे कि सभी जो क्रॉस रेफरेंस जो परमिट है जो भी फोर्स में है और उनके रिलेटेड में जो भी आइसोलेशन है उनको चेक करना भी जो है इस कंट्रोल में होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लांट या फिर इक्विपमेंट का डी आइसोलेशन करने से पहले उसका जो ऑपरेशनल स्टेट है यानी कि हर एक जो PTW हो या फिर अप्रूव जो टास्क है तो उसका जो रेफरेंस है वो आइसोलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो होना चाहिए कि वो जो है वो क्लोज हो गया है, वो भी JP और जो PI है यानी कि जो परमिट इश्यूअर है उसके द्वारा, और उन दोनों के जो है वहां पर सिग्नेचर जो है वो होने चाहिए, और ये जो है ये सेफ है डी आइसोलेट करने के लिए, वो भी जो रिस्पॉन्सिबल एरिया अथॉरिटी है उसके द्वारा, तो उसका भी जो है वहां पर अप्रूवल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो कुछ डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी है ये सारी जो है आपको पता होना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टेम्पररी डिफिट होता क्या है उसके बारे में। तो टेम्पररी डिफिट, तो डिफिट का मतलब यहाँ पर होता है बाईपास। तो ये कब ऑकर होता है कि जब भी हमें HSE क्रिटिकल इक्विपमेंट या फिर जो सिस्टम है उसको जो है सर्विस से जो है हमें बाहर लेना होता है, जैसे कि हम उसको आइसोलेटेड करते हैं या फिर शटडाउन करते हैं, जबकि ऐसा करते वक्त जो है जो भी इक्विपमेंट या फिर जो भी फैसिलिटी है उसको जो है हम सर्विस में वहां पर वैसे ही जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उसे टेम्पररी डिफिट कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके पर्पस के बारे में। तो जब भी HSE क्रिटिकल इक्विपमेंट और जो सिस्टम है उसको जब भी हम टेम्पररी डिफीट करते हैं यानी कि बाईपास करते हैं, तो उसके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, वो भी इवैल्यूएशन के ऊपर, और साथ ही साथ ये करते वक्त जो है कौन सी जो रिक्स है यहाँ पर वो ऑकर हो सकती है उसके बारे में भी जो है हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो जब भी हम HSE CES यानी कि HSE क्रिटिकल इक्विपमेंट और सिस्टम का जब भी हम टेम्पररी बाईपास करते हैं यानी कि डिफीट करते हैं, तो इसके लिए जो है आपके पास ऑथराइजेशन है, ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही जो है इसको किया जा रहा है, इसको प्रॉपरली जो है अप्लाई किया गया है, इसको जो है सही से जो है मॉनिटर किया जा रहा है, और जब भी इसको रिमूव करना है तो उसको जो है करेक्ट वे में जो है को रिमूव भी किया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें है इसको इंश्योर करना यहाँ पर काफी जरूरी होता है, और साथ ही साथ ये कंट्रोल मैनर में जो है ये होना चाहिए। अब ये जो टेम्पररी डिफिट है यानी कि इसको जो बाईपास करना है HSE CES को, तो इसको अगर आपको सेव करना है, इसको अगर स्टैंडर्डाइज करना है, तो उस वक्त जो है आपको जो भी वहां पर हजार्डस एनर्जी सोर्सेस है तो उसको जो है आप एक्सपोज हो सकते हो, तो उस एक्सपोजर के वक्त जो है कौन सी रिस्क वहां पर एसोसिएटेड है उसके बारे में जो है आपको जानना काफी जरूरी होता है, मतलब आपको यहाँ पर इंश्योर करना है उस रिस्क को। अब इसके जो है कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले है, लेकिन ये यहाँ पर सीमित नहीं है, इससे भी ज्यादा है। तो एग्जाम्पल है कि प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को चेक करना, फिर उसके बाद है कि
कि जो कंट्रोल इक्विपमेंट या फिर जो सिस्टम्स है उसको रिलीज करना। फिर उसके बाद है कि सेकेंडरी जो कंटेनमेंट इक्विपमेंट या फिर सिस्टम है वो। फिर उसके बाद है फायर एंड एक्सप्लोजन सप्रेशन इक्विपमेंट एंड सिस्टम। और फिर उसके बाद है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड सिस्टम, जैसे कि उसको हम आलाप में देखते हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये HSCCS के जो है एग्जाम्पल्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है आपको किसकी क्या जिम्मेदारी है वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफीट जो अथॉरिटी है यानी कि बाईपास करने की जो अथॉरिटी है उसका यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है, वो कौन होता है उसके बारे में। तो डिफीट जो अथॉरिटी है उनकी जो है यहाँ पर ओवरऑल जो है जिम्मेदारी होती है कि डिफीट जो प्लान है उसको प्रिपेयर करना, और वो भी जो भी रिस्पेक्टिव जो डिसिप्लिन है उसके लिए। अब यहाँ पर जो है मेंटेनेंस सुपरवाइजर हो गया, वेल सुपरवाइजर हो गया, डिसिप्लिन जो मेंटेनेंस सुपरवाइजर हो गया वो भी जो है यहाँ पर हो सकता है। अब डिफीट जो अथॉरिटी है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास जो है डिटेल नॉलेज होना चाहिए फैसिलिटीज के बारे में जो भी यहाँ पर एसेट है, और उसको जो है उसकी क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि उसकी जिम्मेदारी है कि टेम्पररी जो डिफीट है उसका जो प्लान क्या है उसको डेवलप करना, तो उसमें आता है जैसे कि PNIDs हो गया, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हो गया, कॉज एंड इफेक्ट जो डायग्राम्स है तो उसको डेवलप करने का जो है उसका काम होता है। साथ ही साथ जो भी स्कोप ऑफ वर्क है उसके लिए क्या यहाँ पर टेम्पररी डिफीट जो है वो रिक्वायर है उसको आइडेंटिफाई करना वो भी उसकी जिम्मेदारी होती है, तो इस चीज को भी जो है उसको इंश्योर करना होता है। साथ ही साथ उसके लिए जो है सपोर्टिव अप्रूवल क्या होना चाहिए वो भी किसके द्वारा होना चाहिए, जैसे कि रिलेवेंट जो एसेट ओनर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से अगर कोई सपोर्टिव अगर अप्रूवल चाहिए तो उसके बारे में भी जो है उसको मालूमात होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि टेम्पररी जो डिफीट है तो उसका जो रिस्क असेसमेंट है तो उसको लीड करने का भी जो काम है इसका होता है। साथ ही साथ उसको यहाँ पर यह इंश्योर करना होता है कि टेम्पररी डिफीट के वक्त जो है वहां पर कौन सी रिस्क जो है वो वहां पर इन्वॉल्व है, और उस रिस्क को जो है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है क्या वो भी आलाप में, यानी कि एज लो एज रीजनेबली जो प्रैक्टिकेबल है वहां पर जो है उसको कंट्रोल किया गया है क्या, उस रिस्क को उसको भी इंश्योर करने का जो काम है वो उसका होता है। अब हमें यहाँ पर डिफीट जो अथॉरिटी है उसके बारे में तो पता चल गया कि वो जो है डिफीट प्लान को जो है यहाँ पर प्रिपेयर करता है। अब बात करते हैं डिफीट परफॉर्मर के बारे में। तो डिफीट परफॉर्मर जो है उसकी ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी होती है कि ये जो डिफीट प्लान है जो डिफीट अथॉरिटी के द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाता है तो उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो डिफीट परफॉर्मर का होता है, वो भी जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है यानी कि जो रिस्पेक्टिव एरिया है उसके लिए। अब डिफीट जो परफॉर्मर है वो यहाँ पर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास जो है डिटेल नॉलेज होना चाहिए फैसिलिटीज के बारे में जो यहाँ पर एसेट में है, और ये जो है ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनेंस टेक्नीशियन, एरिया ऑपरेटर, DCS इंजीनियर और पैनल ऑपरेटर के लिए। अब ये जो डिफीट प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो डिफीट परफॉर्मर का होता है, साथ ही साथ उसको कंफर्म करना होता है कि सभी जो डिफीट्स है वो एज पर अप्रूव जो डिफीट रिस्क असेसमेंट है उसके द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया है उसको चेक भी करना उसकी जिम्मेदारी होती है, और वो वहां पर करेक्टली उस प्लेस में जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या उसको भी चेक करने की जिम्मेदारी जो है वो डिफीट परफॉर्मर की होती है। साथ ही साथ टेम्पररी डिफीट जब भी आप करते हो तो उस वक्त जो भी रिस्क असेसमेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसमें जो है कंट्रोल मेजर्स क्या लेना चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने का भी जो काम है वो डिफीट परफॉर्मर का होता है। फिर उसके बाद है कि एरिया अथॉरिटी हो गया या फिर परमिट इश्योर हो गया तो उसके साथ में जो है इसको कंफर्म करना है कि जो भी डिफीट वो कर रहा है तो वो प्रॉपरली वहां पर इंस्टॉल किया है क्या और उसको सेफली वहां पर रिमूव किया गया है क्या, तो उस चीज के बारे में भी जो है उसको एरिया अथॉरिटी और परमिट इश्योर के साथ में जो है कंफर्म करना होता है। फिर उसके बाद है कि जो टेम्पररी डिफीट जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो है उसको साइन करना है, साथ ही साथ जो डिफीट रजिस्टर है उसके ऊपर भी जो है उसको साइन करना है। फिर उसके बाद है कि ये सभी जो रिलेवेंट रिकॉर्ड्स है तो उसको जो है पीरियोडिकली जो है अपडेट करना है, तो इस चीज को भी इंश्योर करने का जो काम है वो डिफीट परफॉर्मर का होता है, साथ ही साथ ये जो रिकॉर्ड्स है ये इंफॉर्मेटिव और डिटेल में होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि कैटेगराइजेशन जो बेसिस टाइप मेंटेनेंस जो डिफिट है उसके बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई भी अगर आप बाईपास करते हो तो उसके रिलेवेंट जो है आपके पास जो है उसके लिए क्या करेक्टिव या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वहां पर लेना है उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए।
फिर उसके बाद है कि मेंटेनेंस जो ओवरराइड स्विच है तो उसको जो है प्रॉपरली वहां पर इंस्टॉल करना है, और उसका जो है मेन पर्पोज क्या है, जैसे कि टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए जो है उसको वहां पर डिजाइन करना है। फिर उसके बाद है कि मेंटेनेंस जो ओवरराइड स्विच है जैसे कि MOS हो गया तो उसको जो है वहां पर आपको इंस्टॉल करना है, ताकि आप वहां पर टेस्टिंग और मेंटेनेंस का जो काम है वो वहां पर कर सको। फिर उसके बाद है कि आपको वहां पर हेल्दी जो सिग्नल है उसको यहां पर इम्पोज करना है, वो भी इंस्ट्रूमेंटेड जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वहां पर, साथ ही साथ यहां पर जो है आपको फिजिकल जो है ओवरराइड करना है। अब बात करते हैं टेम्पररी बाईपास यानी कि डिफेक्ट्स के बारे में। तो टेम्पररी डिफेक्ट या फिर जो बाईपास है जो HSCCS का जो हम परफॉर्म करते हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि जो सर्टन जो वर्क है वो हम वहां पर प्रोसीड कर सके, और वो हम इसलिए करते हैं ताकि अननेसेसरी जो भी शटडाउन हो या फिर इंटरप्शंस हो वो वहां पर ना हो इसकी वजह से। फिर उसके बाद है एक्सटेंडेड पीरियड डिफीट। तो ये जो आपने टेम्पररी डिफीट किया है HSCCS का, तो यहाँ पर जो है आपको जो भी टाइम पीरियड है जो दिया गया था अप्रूवल में कि इस टाइम तक जो है आपको करना है, तो उस टाइम तक अगर नहीं होता है तो जो है आपको उसको एक्सटेंडेड भी करना हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है आपको प्रॉपर अप्रूवल जो है उसके लिए जो है वो लेना पड़ सकता है। मतलब ये जो टेम्पररी डिफीट आपने किया है वो वहां पर वैसे ही रहेगा, आपको जो है उसके लिए अप्रूवल लेकर उसको जो है फिर बाद में आपको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद है परमानेंट डिफिट। तो ऑपरेटिंग जो फैसिलिटीज है वहां पर इंजीनियरिंग में जो भी चेंजेस अगर आप करते हो तो वो जो है एक पार्ट है परमानेंट डिफिट का। फिर उसके बाद है कि DCS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल जो सिस्टम सुपरवाइजर है वो एक सर्टिफिकेट एप्लीकेंट है प्रोसेस डिफिट के लिए। तो इसका जो रोल है यहां पर इनिशिएट करना है सर्टिफिकेट को, वो भी प्रोसेस डिफिट के लिए। जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स है स्टार्टअप या फिर शटडाउन जो रिक्वायरमेंट्स है वो हो गया, स्ट्रोक चेकअप रिक्वायरमेंट्स हो गई, प्रोसेस अपसेट रिक्वायरमेंट्स हो गई। फिर उसके बाद है प्रोसेस डिफिट। तो यहाँ पर जो DCS ऑपरेटर है तो इसका जो एक्ट है यहाँ पर वो डिफिट जो परफॉर्मर है उसकी तरह होता है, तो उसको जो है यहाँ पर इंश्योर करना होता है कि जो भी एसोसिएटेड सर्टिफिकेट्स है साथ ही साथ जो डिफिट रजिस्टर्स है तो उसको जो है हमेशा उसको मेंटेन करना है, वो भी अप टू डेट, साथ ही साथ उसका जो रिकॉर्ड है वो इन्फॉर्मेटिव और डिटेल होना चाहिए। चलिए बात करते हैं मेंटेनेंस डिफेक्ट के बारे में। तो ऐसे केस में जो है मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑटोमेशन जो सुपरवाइजर है वो यहाँ पर एक्ट करेगा परफॉर्मिंग अथॉरिटी और सर्टिफिकेट जो एप्लीकेंट है उसकी तरह, और वो भी डिफिट रिक्वेस्ट के लिए और सर्टिफिकेट को इनिशिएट करने के लिए, जैसे कि डिफिट अथॉरिटी होता है। तो ये जो है ये यहाँ पर अप्लाई होगा सभी जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज है उन सभी के लिए, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो टास्क है वो हो गया, या फिर सभी जो जॉब्स है वहां पर सिस्टम जो नोटिफिकेशन जहां पर जनरेट की गई है, जैसे कि वर्क ऑर्डर जो है सभी जॉब के लिए यहाँ पर जो जनरेट किया गया है, तो उन सभी के लिए जो है यहाँ पर वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पर टेक्नीशियन जो है वो यहाँ पर जिम्मेदार रहेगा डिफिट को इंप्लीमेंट करने के लिए, साथ ही साथ जो है उसको DCS ऑपरेटर के साथ में जो है यहाँ पर क्लोजली जो है यहाँ पर देखना होगा। फिर उसके बाद है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन कंट्रोल्स। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के ऊपर जो डिफिट अथॉरिटी है उसको जो है यहाँ पर हजार्ड्स को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, साथ ही साथ हजार्ड्स जो सिचुएशंस या फिर जो स्पेसिफिक इवेंट है जो अराइज हो सकती है डिफिटेड कंडीशन की वजह से जो है उसको भी जो है यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी हजार्ड्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं तो उसके साथ में जो भी रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है उसको यहाँ पर इवेल्युएट जो है वो करना है। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर सेफगार्ड जो है को भी यहां पर इवेल्युएट करना है, और यहां पर जो भी रिस्क यहां पर फाइंड आउट की गई है तो उसको जो है यहां पर आलाप में जो है यहां पर उस कंडीशन में जो है उसको यहां पर कन्वर्ट करना है, यानी कि एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल जो है वो रिस्क यहां पर जो है होनी चाहिए उसमें जो है उसको यहां पर रिड्यूस करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है HSCCS का जो है टेम्पररी डिफिट के लिए अप्रूवल के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है, और दूसरे साइड में है यहाँ पर ये जो डिफिट है इसका ड्यूरेशन, जैसे कि 12 घंटे से कम हो गया या फिर 12 घंटे से लेकर 72 घंटे का अगर डिफिट है या फिर 72 घंटे से ज्यादा अगर डिफिट है तो इसके बारे में जो है अप्रूवल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि प्लांट या फिर सेवरल फंक्शन अगर लोकेशन वहां पर अगर आपको टेम्पररी अगर डिफिट करना है और वो अगर 12 घंटे से अगर कम समय अगर उसको लगता है तो उसके लिए जो है आप ऑपरेशन के जो VP है उससे जो है आपको यहाँ पर अप्रूवल लेना है। तो सेम उसी प्रकार जो अगर 12 घंटे से ज्यादा और 72 घंटे से कम अगर वो डिफिट अगर रहने वाला है तो ऐसे जो SVP है उसके द्वारा जो है यहाँ पर अप्रूवल लेना है। तो सेम उसी प्रकार जो है आप यहाँ पर अप्रूवल के बारे में जो है इस इमेज के माध्यम से जो है वो जान सकते हो। मतलब HSCCS के लिए जो टेम्पररी डिफिट आप करने वाले हो तो उसके लिए जो है कौन से टाइम के लिए जो है आपको अप्रूवल जो है कहां से लेना है वो सारी चीजें जो है आपको इस इमेज के माध्यम से जो है क्लियर हो जाएगी।
तो सबसे पहले जानते हैं कि ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन होता क्या है उसके बारे में। तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन यानी कि इसमें जो है कई सारी जो एक्टिविटीज है वो सेम प्लेस में सेम टाइम में जो है वो होती है। तो उसमें जो है कुछ फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो यहाँ पर मीट होती है, जैसे कि जो एक्टिविटीज है वो सेम एरिया में जो है वो लोकेटेड होती है। फिर उसके बाद है कि ये जो एक्टिविटी है इसकी वजह से दूसरी जो एक्टिविटीज है उसके सेम परफॉर्मेंस के ऊपर जो है यहाँ पर अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हॉट वर्क, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब भी पॉसिबल हो तो ये जो साइमल्टेनियस ऑपरेशंस है इसको हमें मैनेज करना काफी जरूरी होता है, ताकि हम ऐसी जो सिचुएशंस है जहां पर साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो है अराइज हो सके इसको अवॉइड कर सके। जबकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो साइमल्टेनियस ऑपरेशंस होते हैं इसकी जो है जरूरत होती है काम करने की, तो उसके ऊपर भी जो है हमें ध्यान देना होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन यानी कि क्या होता है। साइमल्टेनियस ऑपरेशन यानी कि इसमें जो है कई सारी जो एक्टिविटी है वो सेम प्लेस में सेम टाइम में जो है वो होती है, और वो जो एक्टिविटी है वो दूसरे एक्टिविटी को भी जो है अफेक्ट कर सकती है, तो उसे साइमल्टेनियस ऑपरेशन कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके पर्पस के बारे में। तो इसका पर्पस ये है कि इसकी वजह से जो है हमें एक फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड होती है, ताकि जो भी इसके एसोसिएटेड यानी कि इसके साथ में जो भी कंसर्न ऑपरेशंस है तो उसमें जो है हम आइडेंटिफाई कर सके कि उसके जो है क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है और उसमें क्या थ्रेट्स है। तो ये इसका मेन यहाँ पर पर्पस है। अब यहाँ पर साइमल्टेनियस ऑपरेशन का जो एप्लीकेशंस है इसको इसलिए इंटेंडेड किया गया है ताकि हमें जो है जो भी साइमल्टेनियस ऑपरेशंस में जो भी अलग जो एक्टिविटीज होती है तो उसके उसे परफॉर्मेंस के ऊपर जो है यहाँ पर वो अफेक्ट करता है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है इसके लिए जो है इसको इंटेंडेड किया गया है। और यहाँ पर जो भी रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशंस होते हैं इसमें जो है एक कॉमन अप्रोच होता है, लेकिन जो नॉन रूटीन जो साइमल्टेनियस ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए जो है हमें यहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने की जो है काफी जरूरत होती है। तो इसलिए हमें जो भी वर्क एक्टिविटीज है उसके कॉम्बिनेशंस को जो है यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है, ताकि इसको जो है सेम टाइम में जो है हम इसको परफॉर्म ना कर सके। अब यहाँ पर कुछ जो पॉइंट है आपको यहाँ पर पता होना काफी जरूरी है, जैसे कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो कोऑर्डिनेटर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे शॉर्ट में SC भी कहते हैं या फिर सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। अब ये जो SC है इसका जो रोल है ये यहाँ पर टेम्पररी रोल होता है, और ये जो है एक ऐसा पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है जो भी कंसर्न ऑपरेशन होते हैं उसके ड्यूरेशन के लिए। अब ये जो SC है ये एक कॉम्पिटेंट पर्सन है जिसको अपॉइंट किया जाता है एसेट ओनर की तरफ से, जो वर्क साइट के कंट्रोल के लिए जो है किया जाता है, और ये जो है एक सुपरवाइजरी जो है रोल उसका होना चाहिए या फिर मैनेजमेंट लेवल का जो है वो होना चाहिए जो भी फैसिलिटी में है, और इसको जो है अच्छा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए जो भी एसेट है उसके बारे में, जहां पर दो फंक्शंस या फिर बिजनेस ग्रुप्स जहां पर इन्वॉल्व होते हैं वहां पर। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ साइमल्टेनियस ऑपरेशंस के बारे में। तो सेपरेट जो मैट्रिक्स है उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, वो भी जो भी हम नीचे यहाँ पर सेवरल जो कैटेगरीज देखने वाले हैं कंसर्न एक्टिविटीज की जो साइमल्टेनियस ऑपरेशन में जो है आती है, जैसे कि ऑपरेशंस अगर स्पेसिफिक हो या फिर एडवर्स वेदर या फिर इन्वायरमेंट स्पेसिफिक हो या फिर HSCES इम्पेयरमेंट स्पेसिफिक हो या फिर इक्विपमेंट अनअवेलेबिलिटी के अनुसार हो। फिर उसके बाद है साइमल्टेनियस ऑपरेशन मैट्रिक्स डिसीजन ट्री, तो ये जो है ये PTW प्रोसेस में जो है सेवरल ऐसे ओकेजन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्टन साइमल्टेनियस ऑपरेशंस हो, इसके साथ साथ जो भी साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो भी एक्टिविटीज है उसको यहाँ पर प्लानिंग और शेड्यूलिंग करने के लिए भी जो है यहाँ पर ये फैसिलिटेट करता है। चलिए अब जानते हैं कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो मैट्रिक्स है उसमें जो है यहाँ पर तीन बेसिक जो है कैटेगरीज को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो सबसे पहला है यहाँ पर ऑपरेशंस का जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशंस को जो है यहाँ पर अलाउ किया गया है, जिसको यहाँ पर ग्रीन से जो है आइडेंटिफाई किया गया है। सेकंड है यहाँ पर कि जो भी एप्रोप्राइट कंट्रोल्स है उसके साथ में जो है यहाँ पर उसको कॉम्बिनेशन जो है उसका किया गया है, जिसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, जिसको येलो कलर से जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। और थर्ड है कि कॉम्बिनेशंस को जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड जो है किया गया है, जिसको रेड कलर से जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, जैसा कि आप इसको इमेज के माध्यम से जो है वो देख सकते हो।
चलिए अब जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो है टोटल 4 प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला है यहाँ पर फेस को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर जो भी साइमल्टेनियस जो भी ऑपरेशंस है उसको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए जो है जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या लगेंगे उसको भी जो है हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड है यहाँ पर कि फेस को जो है हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर जो भी कंट्रोल्स है उसको हमें आइडेंटिफाई और अप्रूव करना है, और साथ ही साथ जो है प्लान यहाँ पर फॉर्म करना है जिसमें साइमल्टेनियस ऑपरेशंस के जो भी रिस्क है उसको हमें आलाप में जो है यहाँ पर कन्वर्ट करना है, और उसके मैनेजमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए उसको भी जो है हमें इस प्लान में जो है इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद है कि फेस को जो है हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर जो भी साइमल्टेनियस ऑपरेशंस है उसके जो भी कंट्रोल्स है उसको हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, वो भी ऑपरेशंस के जो भी इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशंस रहेंगे उसके माध्यम से। फिर उसके बाद है कि फेस को हमें यहाँ पर रिव्यू करना होता है। तो साइमल्टेनियस ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो एक्शन रिव्यू है उसके बाद जो है हमें डॉक्यूमेंटेशन में जो है यहाँ पर अपडेट करना है, जिसमें हमें साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो भी मैट्रिक्स है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना काफी जरूरी होता है। तो इस प्रकार जो है इसके यहाँ पर 4 प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए। पहला है कि यहाँ पर फेस को हमें आइडेंटिफाई करना है, सेकंड है कि फेस को प्रिपेयर करना है, थर्ड है कि फेस को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, और फोर्थ है कि फेस को यहाँ पर रिव्यू करना है। चलिए अब जानते हैं कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो कोऑर्डिनेटर है तो उसके पास जो है साइमल्टेनियस ऑपरेशंस के जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उसमें जो है जैसे कि उसके पास जो है एप्लीकेबल मूवो होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ परमिटेड जो ऑपरेशंस है वो उसके पास जो है एप्लीकेबल जो भी है वो होने चाहिए। कॉमन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान उसके पास होने चाहिए। एसेट इक्विपमेंट या फिर एक्टिविटी स्पेसिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उसके भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। साइट लेआउट डायग्राम उसके साथ में जो मस्टर पॉइंट्स है वो भी उसका भी जो डॉक्यूमेंट्स वो उसके पास होना चाहिए। साइमल्टेनियस ऑपरेशंस का जो भी इंपैक्ट रहेगा उसका भी जो है यहां पर डिटेल्स उसके पास होने चाहिए। कम्युनिकेशंस क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके रिगार्डिंग भी जो है डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो कोऑर्डिनेटर है यानी कि जो एससी है उसके पास होने चाहिए।